गृहीता मायया विभो सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रया स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रया स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रया गृहीता मायया विभो सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रया स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रया स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद जी की श्री प्रभुपाद की जाए। शब्दार्थ सत्वम सतोगुण रजः रजोगुण तमः तमोगुण इति ये सब निर्गुणस्य ब्रह्म के गुणास्त्रया तीन गुण हैं स्थिति पालन सर्ग उत्पत्ति निरोधेषु संहार में गृहीतः स्वीकृतः मायया बहिरंगा शक्ति के द्वारा विभो परमेश्वर की। अनुवाद परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति गुणों को सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सतो रजो तथा तमो इन तीन गुणों द्वारा व्यक्ति होती है और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनके प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण ना तो स्वामी है ना नियामक प्रत्युत हुए ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस तरह स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती हैं लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के ढब्बे से जो कभी कभी भगवान की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाते हैं अप्रभावित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणार्घुनादान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नाम्नि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं उपस्थित सभी वैष्णवों को श्रीमद्भागवतम कक्षा में स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद याचना चाहता हूँ कि आज के श्लोक पे कुछ भगवान के गुणगान के लिए कुछ कह सकूँ। तो आज के श्लोक में जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि के प्रश्नों के बारे में, अभी जो दूसरे कैंट में पूछा इस चैप्टर के पहले शुरुआत में, उसके उत्तर में गुणगान करते हुए भगवान गुणगान कर रहे हैं। तो नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न में छह चीज़ पूछते हैं। इस भौतिक सृष्टि का रूप क्या है, इसका फॉर्म किससे बना है, और यद अधिष्ठानम मतलब इसका निर्भर किस पे आश्रित है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ द यूनिवर्स, और यद सिस्टम ये कैसे बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूछा है भगवान ने, और यद संस्थान ये कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे संहार किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, यद परम किस पे निर्भर है ये पूरा सब प्रक्रिया, और यद चा ये इसका सामग्री क्या है, मटेरियल्स क्या है सबका। तो ये सब पूछने के बाद जो उत्तर देते समय अभी 14 श्लोक में जो है ब्रह्मा जी बताते हैं इसका रूप क्या है, ये किससे बनाए, द्रव्यम कर्म पंचभूतों से और कर्म काल और प्रकृति जीव और भगवान खुद उसके से बनाए, तो रूप बताते हैं। और सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन जो है, यद अधिष्ठानम यद परम किसके ऊपर आश्रित है और किस पे निर्भर है, इसके उत्तर में पिछले 2 श्लोक 15 और 16 श्लोक में बताते हैं ब्रह्मा जी। नारायण परा वेदा देव नारायण परा गज नारायण परा लोक नारायण परा मक, और 16 श्लोक में बताते हैं नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। तो इस 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी बताते हैं किस पे निर्भर है और किस पे आश्रित है सब, तो कौन है वो नारायण है, तो बताते हैं। अभी इस श्लोक में ये सृष्टि मेंटेनेंस और संहार कौन करते हैं, तो वही नारायण करते हैं। वो करने के लिए ये 3 गुणों को स्वीकारते हैं, ये 3 गुणों को क्या सत्व रजस तमह गुणों को करते हैं। तो कोई भी वस्तु के लिए उसका 3 फेस होता है, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये सृष्टि के लिए भी ये 3 फेसेस है और वो सब भगवान करते हैं, लेकिन ये करने के लिए वो कुछ 3 गुणों को स्वीकारते हैं, उसके वजह से हम बोलते हैं गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोले गुणावतार बोलते हैं। तो रजोगुण से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी सृष्टि करता है
और सत्वगुण में विष्णु जी पालन करता है और तमोगुण से प्रभावित नहीं, वो गुण स्वीकार के शिव जी संहार करता है। तो ये तीन गुणों से स्वीकारते हैं खुद अपने आप से, क्योंकि पहले बताया निर्गुणस्य कि भगवान किसी गुण से प्रभावित नहीं है, क्योंकि हम पहले भी क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि मायावादी से बोलते हैं कि निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं मतलब कोई भौतिक गुण नहीं है उनके में, वो आध्यात्मिक है। तो ये लेकिन ये भौतिक गुण जो है उसको खुद अपने आप से स्वीकारते हैं ये कार्य करने के लिए, लेकिन इसमें श्लोक में बोलते हैं वो उससे प्रभावित कभी नहीं होते। तो ये जो फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जीवात्मा में और भगवान में जो अंतर है यही है कि भगवान है पूरा सृष्टि करते समय गुणों को इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ द ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ दिस थ्री गुनास, वो इसमें कभी प्रभावित नहीं होते। भगवान बोलते मैं अध्यक्ष है न प्रकृति, मेरा अध्यक्षता में सब प्रकृति चराचर हो रहा है। तो जैसा आपने देखा होगा वो भगवद गीता में एक पिक्चर आता है, ऊपर तीन रोप्स रहते हैं जैसा क्या बोलते उसको गुड़िया खेल कठपुतली से ऐसा, तो तीन रस्सियों से नीचे जीव को पकड़ के वो खेल रहे माया देवी। वो तीन रस्सी क्या है, रजो तमोगुण सत्वगुण, तो उससे खेल उस डोर से खेल रहे माया देवी। तो लेकिन जब भगवान इस सृष्टि में आके तो अपने लीलाएँ करते हैं तब ये लोग बोलते हैं देखो देखो ये भी प्रभावित है, ये भी कठपुतली की तरह खेल रहा है ऐसा बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि उससे वो कभी प्रभावित नहीं होता, इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म कर्म जो है दिव्य है। कोई इसको समझ पाया, समझना मतलब क्या है कि दिखने के लिए ऐसा दिखता है कि जैसे नॉर्मल जैसा है, लेकिन वो दिव्य है, वो प्रभावित नहीं है, खुद के कंट्रोल में है। वो जब समझ गया तत्वतः तो नहीं दिमाग में इतने सोचते, इस बौद्धिक जगत में उसको आने की बहुत कभी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जीव ऑन द अदर हैंड क्या है, प्रकृति क्रियमाणानी गुण कर्माणी सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मनमते, वो फॉल्स ईगो से प्रभावित होने के कारण वो हालांकि हमेशा ही तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ, सब चीज़ मेरे पावर से सब बन रहे हैं, ऐसा जीव का प्रॉब्लम वो है। तो आप एक देखेंगे वृंदावन में एक पास्टर में आता है, गोपीस जो है नदी के उस पार यमुना नदी के उस पर दुर्वास मुनि को देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि दुर्वास मुनि को सेवा करें अपने व्यंजन कुछ खिलाने के लिए। तो कृष्ण को पूछते हैं कि कोई नाव वाला नहीं रहता, तो बोलते हमको पार करके जाना है तो कुछ हेल्प करो बोलते हैं, तो नाव वाला कोई नहीं है। कृष्ण बोलते हैं जाके यमुना नदी से बोलो अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है शुद्ध ब्रह्मचारी है तो मेरे को हमको रास्ता दो। गोपियाँ सोचते हैं कृष्ण शुद्ध ब्रह्मचारी है क्या है जाके बोलते हैं यमुना नदी के अगर कृष्ण शुद्ध ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दीजिए, तो यमुना देवी रास्ता देते हैं। गोपियाँ सोचते हैं ये क्या है, कृष्ण ब्रह्मचारी हम उनको सब पता है तो जाते हैं, फिर जाके पूरा व्यंजन जो खिलाया दुर्वास उनको प्रार्थना करते हैं उनसे प्लीज़ करते हैं, तो उनको सब खिलाते हैं और दुर्वास उन्हें भी सब खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। फिर बोलते हैं फिर अभी नदी वापस आ गए, फिर बोलते हैं अभी दुर्वास मुनि उस तरफ है, दुर्वास मुनि बोलते हैं दुर्वास मुनि हमको वापस जाना है तो हमको नाव नहीं तो कुछ मदद कीजिए हमको। तो बोलते ठीक है आप यमुना नदी से जाके बोलो अगर मैं बहुत तपस्वी हूँ और मैं कुछ भोग नहीं करता, मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, तो यमुना देव को बोली हमको रास्ता दो। वो बोलते अभी तो पूरा खाना खिला है तुमको इतना सब खा ले एक भी छोड़ा नहीं, और बोलते मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भोगी नहीं हूँ। तो फिर जाके फिर से वही बोलते हैं, फिर वैसे बोलने के बाद फिर से वो यमुना देव रास्ता देते हैं। गोपी सोचती है क्या तेरा सेटअप लग रहा है कृष्ण और यमुना और दुर्वास मुनि के बारे में कुछ तो अपना इंटरनल अग्रीमेंट लग रहा है, कुछ ये सब झूठ बोलते जा रहे हैं और यमुना देवी रास्ता भी दे रहे हैं, तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन हालांकि क्या है, कृष्णा कभी भी इस वो उनका कार्य जो भी है कभी भी आध्यात्म भौतिक नहीं है, वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे ही होता है। जैसे दुर्वास मुनि का भी कार्य जो वो योगी जो रहता है वो खाते भी वो कंट्रोल में, वो भूखे मारण खाए नहीं, वो देख खिलाया जब खाने तो पूरा खा लेते थे। तो योगी इसका ऐसा रहता है, अपना बद्धजीवन ढंग नहीं बोल रहा मैं दो योगी इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है ना, सामान्यतः देखने में ये सब कैसा लगता है कि प्रभावित से कारण होके हो रहा ऐसा लगता है, लेकिन वो वैसा नहीं है। तो आप क्योंकि आप देखेंगे कृष्णा जो है द्वारका में
लक्ष्मी देवी जी भी सुंदर, हर एक पत्नी 16,000 1,000 हाथ पत्नियाँ हैं भगवान को, और हर पत्नी तो सुबह सुबह उठते हैं भगवान, तो ऐसा सुंदर पत्नियों को छोड़ के वो मॉर्निंग ड्यूटीज़ में चले जाते हैं, कुछ एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं। और पत्नियाँ सोचती है सुबह क्यों होता है, हमको कृष्ण छोड़ के जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कृष्णा इन पत्नियों से आकर्षित नहीं होते। हम इस दिन में देख सकते हैं भी थोड़ा सा भी सुंदर अगर कोई स्त्री के लिए, पुरुष पुरुष के लिए स्त्री रहेंगे तो इतना आसक्त हो जाता है, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा कुछ प्रभावित नहीं है, इस लीला में भी वो दिखाते हैं वैसा। और अपने मॉर्निंग ड्यूटीज़ में हमको सिखाने के लिए, गृहस्थ धर्म सिखाने के लिए वो हर रोज़ सुबह वो चले जाते हैं, क्योंकि हम भगवान तो शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, इसलिए इसमें प्रभावित नहीं होता। वैसे तो हम भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम प्रभुपाद जी बताते हैं इंटरनल पोर्टल, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, माया देवी और तटस्थ शक्ति। तो जीव जो आता है किसमें, तटस्थ शक्ति में, वो किधर भी जा सकता है, दीवार के ऊपर बिल्ली की तरह है, किस तरह भी वो कूद सकता है। जैसा प्रभु जी कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दे रहे थे, शोर पे सैंड क्या है, कभी गीला भी होता है कभी सूखा भी रहता है, तो बीच में है वो शोर तट जो है, तो हम तटस्थ शक्ति हैं। हम कैसे हैं, वो गीला घास की तरह है जिसको आग लगाने में बहुत मुश्किल जाता है, कि हम भी घास हैं, हमें भी जलना की शक्ति है आग लगाने से, लेकिन अगर गीला होने के कारण, ये भौतिक गुणों से प्रभावित होने के कारण हम में वो आध्यात्मिक गुण प्रभाव दिखाने में, वैसा प्रस्फुटित करने में समय लगता है, या उससे प्रभावित होने के कारण नहीं होता, क्योंकि गीला होने के कारण घास जलता नहीं है। और इस प्रपोर्ट में प्रभुपाद जी एक और बात समझा रहे हैं, जो पहले से वही बात समझा रहे हैं, कि ये भगवान का और माया का जो संबंध है वो स्वामी और सेवक का है, भगवान के अधीन होके काम कर रहे हैं सब कुछ, इच्छानुरूपेण से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी फिर से वहाँ पे बताते हैं। जैसे कि आप देखेंगे भगवान प्रकट होने से पहले देवकी माँ के गर्भ में ये अपना बलराम जी भी होता है, तब वो निर्देश देते हैं मायादेव को कि उनको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको मानते हुए भौतिक प्रकृति बलराम जी को स्थानांतर करते हैं रोहिणी जी के गर्भ में। तो ये किसके अंडर हो रहा है, भगवान के निर्देशन में हो रहा है। तो इसको सबको समझाने के लिए, ये बहुत ही जटिल विषय है, इसको एक उदाहरण से प्रभुपाद जी अपना चरण समझाते, किसके, सूर्य और बादल के, ये एनालॉजी से क्लियरली समझाते हैं। जैसे कि सूर्य जो है, अभी बादल है मतलब सूर्य है, क्योंकि बादल का उत्पत्ति सूर्य देव से होता है, सूर्य जी जब पानी से वो एवोपरेट करके बादल उत्पन्न होता है, तो बादल आ रहे हैं सूर्य देव से, लेकिन वो बादल सूर्य को ढकने से, वो इतना बड़ा सूर्य विशाल है सृष्टि में, उसमें किसी किसी कोने में कुछ बादल रहते हैं, वो बादल को सूर्य को प्रभाव करने का शक्ति बिल्कुल नहीं है, वो घूमते रहते हैं। तो सूर्य देव तो उनसे बहुत ही मिलो मेल दूर ऊपर अप्रभावित हैं, लेकिन हम जीवात्मा नीचे रहते हैं तो देखते हम प्रभावित हो जाते हैं वो बादल से, और देखते हैं अरे ये बादल सूरज को ढक दिया, बोलते हैं, ये नहीं बोलते हम ढक गए बादल से, क्योंकि ये अहंकार में है, ये हमेशा ही सोचते हैं कि बादल ने सूरज को ढक दिया, लेकिन ढका कौन है, हम दृष्टि, जैसे हम प्रभावित में आते हैं, हम कंट्रोल में नहीं है माया देवी से तीन गुणों से, तो हम प्रभाव में आके अहंकार के कारण हम हमारा भौतिक दृष्टि से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव से हम ढक जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो जब वो समझ जाएंगे तब हम मुक्त हो जाते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य, तो बताते हैं। तो एक रामायण में एक फेमस फास्ट टाइम है, जब लॉर्ड राम सीता मैया के इसमें सीता मैया के विरह में रोते रहते हैं, सीते सीते बोल के रोते रहते हैं, तो मदर पार्वती बोलते हैं शिव जी को ये कौन है, लॉर्ड राम है, जिस पे ऊपर आप ध्यान करते बोलते वही है जो जिसको मैं बोलता हूँ, तो हाँ वही है रामचंद्र, ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये कौन आपका ध्यान का वस्तु है, अरे बोलते हैं ये भगवान ने भवन के लिए लाए, तो नहीं टेस्ट करता हूँ, तो खुद माया देवी पार्वती देवी टेस्ट करने के लिए आते हैं, सीता मैया के रूप में आते हैं, तो आते भगवान रो रहे सीते 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 सीता मैया आते हैं, मतलब पार्वती देवी सीता रूप में आते हैं, तो भगवान देख के बोलते हैं माते आप अकेले क्यों आए हैं, शिव जी किधर है पूछते, तो तुरंत समझ जाते हैं यार बाप रे भगवान। तो उनका कार्य जो है ऐसे, हम बादल से ढक गए, जैसे पार्वती देवी भी ढक गए, तो हमारा तो क्या है,
तो ढक जाते हैं, भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, वो लीला कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए तो अभी अपने कलयुग में भी, जब कलयुग जीवात्मा के लिए कारण मिलता है, जब विदेशी इन्वेडर्स अतिक्रम करने वाले सब हमको इन्वेड करते हैं, आके वो अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मंदिरों को, विग्रहों को सब तोड़ दिया। ऐसा सुना है कि, सुनने के लिए भी अजीब लगता है कि उन्होंने विग्रहों को तोड़ के अपना सीढ़ी बनाया, अपना सिंहासन के लिए सीढ़ी बनाया, तो मतलब रोज़ उसके ऊपर चल के जा रहे हैं। ये सब देख के हम सोचेंगे अरे भगवान का शक्ति चला गया, अभी बादल में सूरज ढक गए हैं, ढका कौन है, हम ढक गए हैं। लेकिन ऐसा प्रभावित हो जाते हैं चीज़ों से कि अभी उनकी में शक्ति नहीं है। अभी कलयुग आ गया तो शायद भगवान भी कलयुग के प्रभाव में आ गया और चल गए। एक्चुअली कलयुग का प्रभाव जो है इस भारत धरती पे ही है, 14 भुवन लोकों में भी नहीं होता, स्वर्ग लोक में भी नहीं होता, तो भगवान के ऊपर तो दूर की बात है। और ये कुछ नया चीज़ नहीं है, जब हिरण्यकश्यप आए थे तभी भी ऐसा बहुत कार्य करते थे, वो ब्राह्मणों को मार देते थे और गायों को मार देते थे, यज्ञ में जो करते उल्टा करते थे रूल, तभी भी ढकता कि भगवान तो अभी कुछ काम है, अभी हिरण्यकश्यप का सीजन चल रहा है, भगवान पावर में नहीं है ऐसा लगता है। और रामायण के टाइम में भी रामचंद्र भगवान जब एक फॉरेस्ट में जाते हैं, इतना एक बहुत हड्डियों का एक पहाड़ देखते हैं, तो वो कौन सा पहाड़ है, जो जंगल में तपस्या करने के लिए आते हैं ब्राह्मण लोग, उन सबको खाया हुआ राक्षसों ने खा के उसका हड्डियाँ उधर डाल दिया, तो वो हड्डियों का पहाड़, इतना हड्डी, तो भगवान तो रक्षा नहीं कर रहे। अगर भगवान पूर्ण कंट्रोल में है तो भगवान की रक्षा करना चाहिए ना। तो ये सोच के फिर सोचते कि भगवान अभी प्रभाव में आ गया माया में, वो भी हम सबसे एक हो गए। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों होता है कि ये कुछ कारण है, तो भगवान इस बौद्धिक जगत में अधर्म को भी कभी चांस देते हैं कि हम जीवात्मा समझे अधर्म होने से क्या होता है परिस्थिति। कभी कभी क्या हम खेलते रहते हैं अधर्म से धर्म से, थोड़ा सा क्या बोलते कबड्डी खेलते रहते हैं कि तो टच करके आते हैं हम फोन, तो कभी पकड़ा है बुरी तरह पकड़ा गया ना, तब अरे बाप रे ये खेल बहुत, उसको हड्डी पस लेकर देते, उसको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिलता, तब बोलते अभी नहीं जाना चाहिए उस तरफ। तो वो होने के लिए भगवान थोड़ा टाइम उसको होने देते हैं ताकि हम जीवात्मा वो खेल खेलना बंद कर दें जो अनादिकाल से खेलते आ रहे हैं, और उस प्रयास में हमारा पूरा कर्मक साइकिल होता है वो भी निकाल देते हैं, और उस प्रयास में भगवान अपनी लीला भी करते हैं भक्तों को शरणागत में, फिर जब वो शरण लेते हैं वो मधुरता भी वो दिखाते हैं। तो ऐसा अलग अलग कारणों की वजह से, और उस दौरान किसी किसी को अपने इच्छा पूर्ण करने के भी मौका देते हैं, जो चाहते हैं दूसरों को दबा के रखें उससे मैं संतुष्ट पाता हूँ, उसको भी मौका दे दबा के रखो, लेकिन वो इंटरनल संतुष्टि पाते नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपना हिरण्यकश्यप को, अपने पूरे तीनों लोकों में तो जीत लिया, लेकिन आपके मन में जो है अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मदमश्चर्य, उसमें मन पे जीत पाया आप, तो वो भी समझता नहीं है लेकिन जानते हैं कि नहीं पाया तो नहीं है। तो हम भी कितना भी भौतिक प्रगति या सही रूप से या गलत रूप से भी कितना भी पालें, जो असली जीत है मन के ऊपर वो तो कभी नहीं, वो हमको भी समझ में आता है। तो आप एक जर्मन फिलासफर कोई है नाम बोले हैं, वो बोलते हैं अगर ऐसा कोई भगवान है जो नाचते हैं तो मैं उनको पूजा करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हालांकि उनको पता नहीं कि हमारा भगवान जो है कृष्ण वो बहुत नाचते ही है, वो काले के ऊपर नाचते हैं और गोपी यशोदा मैया के ट्यून्स पे और गोपीज़ के ट्यून पे, जो बोलते हैं थोड़ा मक्खन छास के लिए बहुत बोलते ठीक है पकड़ लेते हैं, वो चोरी करने के लिए तो पकड़ लेते हैं, फिर सब चला जाता है कृष्ण पकड़ा जाता है, ठीक है मैया को नहीं बताएंगे तो ये चार्ज भी दे देंगे, थोड़ा नाचो हमारे लिए बोलते हैं। फिर कृष्ण नाचते हैं ठमक ठमक, ये गोपियाँ गाते हैं और उसके अनुसार नाचते हैं, और कृष्ण बीच में बोलते हैं मैं थक गया हूँ अभी दे दो मेरे को, नहीं अभी और नाचना है, तो और नाचते हैं। तो यशोदा मैया गोपास के गोपीस के इसमें नाचते हैं भगवान, और भगवान रासलीला में गोपीस के साथ नाचते हैं, और चैतन्य महाप्रभु तो डांसिंग मूवमेंट ही निकाला कीर्तन का। तो ये सब देख के कोई बोलते ये क्या है, जैसे प्रकाश ने सर्वचित सोच लिया सन्यासी को तो नाचना क्यों चाहिए, ऐसा प्रभावित वो बोलते हैं कि ये तो भौतिक प्रकृति है, कि ये सब का कारण कि भगवान महान भी नहीं है, वो भौतिक चीज़ों से परे भी नहीं है, वो मधुर भी है, स्वीट, ही इज़ नॉट ऑल्सो नॉट ओनली ग्रेट ही स्वीट ऑल्सो।
तो अपने भक्तों से मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। तो ये एस्पेक्ट को अगर हम नहीं जानेंगे तो ये लीला उनको हम सोचेंगे अरे ये क्या है, प्रभावित में आ गए। जैसा दुर्योधन भी प्रभावित, भगवान आके मीठे शब्द बोल रहे थे, हे दुर्योधन, हे कुरुश्रेष्ठ, हे वो, हे वो ये, तुम हमको सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को, ऐसा मधुरता में बोल रहे थे। वो बोलते ये क्या नाटक कर रहे हैं, गोला, इसको मैं बंदी बना देता हूँ, बोल के बंदी बना करते फिर ग्रेटनेस दिखाते हैं। तो किसी चीज़ को देख के हम सोचते कि भगवान में यही है, तो वो हमारी इनकम्प्लीट नॉलेज है भगवान के बारे में, उसके वजह से हम सोचते हैं कि सूरज बादल से ढक गया है। तो हम ये सब चीज़ों से बाहर आना है तो एक आंख मिचोली गेम खेल रहे थे। उसके बहुत वर्शन्स हैं, कि एक वर्शन ये है कि आंख मिचोली क्या है, पट्टी लगा सबको, मैं आप सबको पट्टी लगा दूंगा और मैं के चुप जाऊंगा, तो आप सब ढूंढते रहेंगे मेरे को इस रूम में, तो जब भी कोई मेरे को छू लेगा फिर मैं वो पट्टी खोल दूँगा, वो पट्टी से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी उस मेरे को छू लेते हैं तो वैसे ही भगवान जो है अपने को अपनी इच्छा के कारण अपने मायादेव का पट्टी लगाए हैं और हम खेल रहे हैं इस जगत में। हरी हरी तो कुछ मिल रहा नहीं। तो जब हम भगवान को छूएंगे, भगवान बोलते हैं कि क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, भगवान के स्पर्श में जब आएंगे तब मैं सब पापों से सब मुक्ति बांडेज से तुमको मुक्ति करवा दूंगा और ये आंख में चल खेल में तुमको खोल दूंगा, तो सेल्फ रिलाइज बन जाएंगे हम। तो जब तक हम खेल में भगवान को छूएंगे नहीं तब तक ये अंधा बन के हम घूमते रहेंगे और बोलेंगे कोई नहीं इधर, ऐसे ही हमको दिखने मतलब कोई नहीं है, भगवान विवान कुछ नहीं है। तो ये सब तो अभी हम माया में है कि नहीं है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लेकिन कुछ चीज़ों से वो समझ सकते हैं अभी हमारे भक्ति की अवस्था में, कि हम गीला घास है कि सूखा घास है समझने के लिए हम ये कुछ चीज़ों से समझ सकते हैं कि हाउ ईगर मैं सर्व करने के लिए, ना कि सर्विस लेने के लिए, मैं दूसरों की सेवा करने के लिए भक्ति में कितना उत्सुक हूँ या खुद को सेवा लेने में उत्सुक हूँ, ये एक फैक्टर जिसमें समझ सकते हैं हम कितना गीला है सूखा है। और दूसरा है मैं दूसरों को रेस्पेक्ट आदर सम्मान देने के लिए कितना उत्सुक हूँ या खुद को आदर और सम्मान पाने में उत्सुक किस में ज़्यादा हूँ, और दूसरों के मैं ख्याल रखने में उनके नीड्स का, उनका कंसिडरेशन, उनके वीकनेसेस का, उसका कितना उत्सुक हूँ या खुद के नीड्स और कंसर्न्स को देखभाल करने में कितना उत्सुक हूँ, ये समझ सकते हैं। और दूसरों को देख के प्रगति आजादता में उनका सेवा देख के मैं कितना खुश हूँ, नहीं तो मैं कितना कुछ सेवा कर पा रहा हूँ उससे देख के कितना खुश हूँ, तो उस चीज़ों में और दूसरा अच्छा सेवा करे तो हम थोड़ा मायूस हो गया, तो मतलब हम थोड़ा गीला अभी भी है, और हम थोड़ा सा भी कर लेते तो बहुत खुश हो जाता है, क्या देखो मैंने क्या कमाल किया प्रभात कमीशन में, ऐसा लगे तो फिर अभी भी गीला है। तो ऐसा कुछ चीज़ों से हम अभी अपने जीवन में भी समझ सकते हैं कि हम बादल से ढक रहे हैं कि नहीं ढक रहे हैं। तो जब तक हम ये सिम्टम से पीड़ित हैं तो हम समझ सकते हैं और शरणागत और ले सकते हैं, जिस भगवान बोलते हैं दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरात्या मामा एतम तरन प्रबद्यंते मामयी एकम प्रबद्यंते माया एतम तरंत थे। तो ये सब देख के हम सोचते हैं कि समझ सकते हैं कि हम कितने प्रभाव में हैं ये माया के गुणों से, तो फिर हम भगवान के संपर्क में और तीव्रता से लेंगे, फिर भगवान के शरण में जाएंगे, फिर भगवान हमको इससे तारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी यही समझा रहे हैं कि भगवान जो है निर्गुण है, वो ये सृष्टि में जब करते हैं वो अपने स्वेच्छा से इसको स्वीकार के करते हैं। तो भगवान क्या, भगवान के भक्त भी भगवान की कृपा से ये तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, ये तीनों गुणों को वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वो शुद्ध भक्त के भगवान के संपर्क में जो जाते हैं। तो हम भी उस स्टेज में अग्रसर होना है तो भगवान के शरण लेना है, और भगवान शरण लेने का आसान उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलिकल्मष नाशनम
चैतन्य महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।